हे गाइस, तो आज हम मोटो H50 फ्यूजन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे मोटो H50 प्रो के साथ। दोनों मोटो में कौन ज्यादा तेज है, किसका रैम मैनेजमेंट बेटर है, 5G नेटवर्क स्पीड, वीडियो रेंडरिंग स्पीड, बायोमेट्रिक सिस्टम, बेंचमार्क और CPU थ्रॉलिंग टेस्ट भी करेंगे दोनों स्मार्टफोन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों मोटो को पार दिया है स्नैपड्रैगन का चिपसेट ने। मोटो H50 फ्यूजन में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 चिपसेट एंड मोटो H50 प्रो में स्नैपड्रैगन 7 जेन 3। दोनों 8GB रैम वेरिएंट है। दोनों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 14 बेस्ड OS यानी हेलो UI रन कर रहा है। सॉफ्टवेयर दोनों स्मार्टफोन का अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच मोटो H50 फ्यूजन में मार्च का है और H50 प्रो में मे का। डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा 144Hz वाला AMOLED, बट मोटो H50 फ्यूजन में फुल HD प्लस और H50 प्रो में 1.5K रेजोल्यूशन वाला। एंड टच सैम्पलिंग रेट दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा 360Hz। डे टू डे यूज के लिए दोनों स्मार्टफोन मुझे सही लगा, बट दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है, परफॉर्मेंस कैसा है, दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट, 5G नेटवर्क स्पीड, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है एंड वाओ, दोनों स्मार्टफोन, दोनों हेलो UI वाला स्मार्टफोन ने सेम टाइम लिया बूट होने में। बायोमेट्रिक सिस्टम की अगर बात करूं ना, तो दोनों स्मार्टफोन को मैंने यूज करके देखा और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों स्मार्टफोन का बहुत सही है एंड एकदम सेम लगता है यूज करने में, यानी एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है डिवाइस अनलॉक होने में। दोनों ही फास्ट है, एक्यूरेट है, देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम टाइम ले रहा है अनलॉक होने में। गाइज, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज चेक करेंगे, दोनों स्मार्टफोन का 5G डाउनलोड स्पीड। बट उससे पहले ये दोनों स्मार्टफोन का आप स्पीड देख सकते हो 5G का। जियो 5G सिम लगा है दोनों स्मार्टफोन में एंड मेरे लोकेशन के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का स्पीड सही दिख रहा है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। प्ले स्टोर से एक 2.62GB का गेम डाउनलोड करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में बारी बारी से। स्टार्ट करते हैं H50 फ्यूजन से। तो गाइस, मोटो H50 फ्यूजन ने 100% गेम 2.62GB का डाउनलोड करने में लिया 2 मिनट 17 सेकंड्स एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 40 सेकंड्स। अब हम ट्राई करेंगे मोटो H50 प्रो। सेम गेम 2.62GB का डाउनलोड करने में मोटो H50 प्रो ने लिया 2 मिनट 25 सेकंड्स, यानी 8 सेकंड ज्यादा H50 फ्यूजन से। एंड गेम इंस्टॉल करने में इसने 1 सेकंड कम लिया, टोटल टाइम की अगर बात करूं तो 2 मिनट 39 सेकंड्स। अब उन लोगों के लिए एक टेस्ट जो अपने स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करते हैं, यानी वीडियो रेंडरिंग टेस्ट काइन मास्टर ऐप यूज करके। दोनों डिवाइस में हमने दो सेम फाइल ट्रांसफर कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन में आप 4K 60fps पे वीडियो एडिट कर सकते हो, बट 4K 60fps में समटाइम एरर आता है। तो अभी हम ट्राई करेंगे 1080p 60fps दोनों स्मार्टफोन में। वाओ, तो मोटो H50 फ्यूजन ने टास्क पहले कंप्लीट कर लिया 4 मिनट में, 3 मिनट 58 सेकंड्स एंड H50 प्रो अभी पीछे दिख रहा है, थोड़ा टाइम लेने वाला। ओके, तो सेम टास्क को कंप्लीट करने में मोटो H50 प्रो ने 6.5 मिनट ले लिया, 6 मिनट 29 सेकंड्स, 2.5 मिनट ज्यादा H50 फ्यूजन से। अब गाइस, हम ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का। दोनों में हेलो UI है एंड दोनों स्मार्टफोन में जियो का 5G सिम लगा है। ओके, सेटिंग्स पहले ओपन किया H50 प्रो ने। नाउ अबाउट फोन ओपन करके रख लेता हूँ दोनों स्मार्टफोन में, मल्टीटास्किंग के टाइम पे हम इसको वापिस से चेक करेंगे। अब YouTube इस बार क्लियरली H50 फ्यूजन ने पहले ओपन किया। अब एक रील ओपन करके रख लेता हूँ दोनों स्मार्टफोन में। नाउ Instagram का स्लाइटली पहले ओपन किया इस बार H50 प्रो ने। अब प्ले स्टोर में गाइस दोनों बहुत ज्यादा क्लोज दिखा। अब कोई ऐप का डाउनलोड पेज ओपन करके रखता हूं दोनों स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग में चेक करने के लिए। नाउ ट्विटर। वाओ, ट्विटर एग्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन ने एकदम सेम टाइम पे ओपन किया। अब कोई पोस्ट या कमेंट्स वगैरह ओपन करके रखता हूं ट्विटर में भी। नॉर्मल एप्स में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेम स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। टच रिस्पॉन्स या फिर एनिमेशन, सेम UI है, सेम सॉफ्टवेयर है, तो आपको एकदम एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में, बट स्पीड का जो डिफरेंस है ना, वो गेम्स ओपन करने के बाद पता चलेगा। ओके, तो नॉर्मल एप्स हो गया, चलिए अब गेम्स ट्राई करेंगे। पहला गेम सर्वे सर्फ।
ओके, तो पहला गेम में भी दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम दिखा, स्पीड में दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया, आधा सेकंड से भी कम का डिफरेंस दिखा होगा। चलिए अब दूसरा गेम ट्राई करते हैं, टेंपल रन 2। ट्रस्ट मी गाइस, दोनों सेम फोन नहीं है, एक तरफ फ्यूजन एक तरफ प्रो है। चलिए अब दूसरा गेम ट्राई करते हैं, मार्वल का स्नैप, तीसरा गेम एक्चुअली। फिर से गाइस दोनों बहुत क्लोज था, बट इस बार थोड़ा सा आगे निकल गया H50 Pro। चलिए अब अगला गेम ट्राई करते हैं, एंग्री बर्ड 2। ये गेम लोड होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। फाइनली इस बार क्लियरली H50 Pro ने गेम पहले लोड कर दिया, एंड इस बार 2.5 सेकंड पीछे रह गया H50 Fusion। अब सुपर मारियो, तो सुपर मारियो में भी क्लियरली H50 Pro आगे दिखा। अब फ्री फायर मैक्स, इस बार गाइस फिर से H50 Pro आगे निकल गया। अब अगला गेम फ्री फायर मैक्स, गाइस दो गेम में दोनों बहुत ज्यादा क्लोज दिखा, लेकिन बाकी चार गेम अभी तक H50 Pro ने पहले ओपन किया, बट अगेन H50 Fusion ज्यादा पीछे नहीं दिखा। चलिए देखते हैं अब कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या होता है। फाइनली कॉल ऑफ ड्यूटी मोटो H50 Fusion ने पहले ओपन कर लिया, एक फ्यूजन का, चार प्रो का। अब BGMI, वाओ, फिर से दोनों बहुत ज्यादा क्लोज था, बट इस बार थोड़ा सा आगे निकला H50 Fusion। स्पीड टेस्ट का विनर है मोटो H50 Pro, बट सीरियसली स्पीड में, गेम्स लोडिंग स्पीड में दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिफरेंस फील नहीं हुआ, हार्डली 2.5 सेकंड का डिफरेंस देखा, वो भी एक दो गेम में, बाकी सारे गेम्स में दोनों बहुत ज्यादा क्लोज था। इन शॉर्ट गाइस परफॉर्मेंस की अगर बात करो, स्पीड की बात करो, तो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम लगेगा आपको डे टू डे यूज में। नाउ मल्टीटास्किंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा, चलिए चेक करते हैं। दोनों 8GB रैम वाला स्मार्टफोन है गाइस, मल्टीटास्किंग के लिए दोनों ही स्मार्टफोन अभी तक बहुत सही दिख रहा है, बट H50 Fusion बेटर दिख रहा है, क्योंकि इसने 8 में से 8 गेम्स ही मैनेज कर लिया, और H50 Pro ने 8 में से 6 गेम्स, 2 गेम मिस कर दिया। गाइस गूगल क्रोम का वेबसाइट दोनों में अवेलेबल दिखा, और फ्लिपकार्ट का कंटेंट भी, बट हाँ फ्यूजन ने पेज को रिफ्रेश किया और प्रो ने इंस्टेंटली लोड कर दिया, एंड Amazon Prime, Twitter, Play Store का कंटेंट और Insta का कमेंट्स दोनों स्मार्टफोन ने एकदम इंस्टेंटली लोड कर दिया। और गाइस YouTube में जो रील ओपन किया था वो भी देख सकते हो, दोनों में अवेलेबल है, और सेटिंग्स में जो अबाउट फोन ओपन किया था वो भी दोनों में दिख रहा है। रैम मैनेजमेंट दोनों स्मार्टफोन का बहुत तगड़ा है, बट विनर है H50 Fusion, क्योंकि 2 गेम इसने एक्स्ट्रा मैनेज कर लिया। अब गाइस इतने सारे टेस्ट के बाद दोनों स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं। पहले एंड्रॉइड स्कोर, ग्रेट, तो ये दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉइड स्कोर 688,000 समथिंग मोटो H50 Pro का, और Fusion का 555,000। दोनों के स्कोर को अगर कंपेयर करें तो 133,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है H50 Pro का। CPU स्कोर 42,000 ज्यादा दिख रहा है H50 Pro का, और 61,000 GPU स्कोर। नाउ Geekbench 6 के स्कोर को अगर कंपेयर करें तो अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट अगेन सिंगल और मल्टी कोर दोनों ज्यादा दिख रहा है H50 Pro का। Antutu और Geekbench के बाद थ्रॉटलिंग टेस्ट, 15 मिनट 50 थ्रेड्स का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों ही स्मार्टफोन बहुत इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है, बट अगेन H50 Pro बेटर दिख रहा है 72%, एंड H50 Fusion में थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है 66%। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन का मैक्स परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम दिख रहा है। तो ये था गाइस दोनों मोटो के स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।